नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में लोगों से जुड़ने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। आपको बताते चले कि विभाग के प्रदेश प्रभारी शुजा गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नंबर जारी किया और उन्होंने कहा कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सच की आवाज बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े स्लोगन के साथ इस व्हाट्सएप नंबर को लॉन्च किया है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर उठ गई है और यह लड़ाई सच और झूठ के बीच की हो गई है। जो है अपना उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया का व्हाट्सएप नंबर जो है लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने के पीछे का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारी बातें जो है नीचे तक जा सके और नीचे की जो बात है वो ऊपर तक आ सके, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है सच की आवाज बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े और ये नंबर है हमारा 8126918918। सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है उस समय जो आपके साथ और सच्चाई के साथ खड़ा होगा और इसीलिए मैं सुजा गांधी जी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को आदरणीय नेगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा टाइटल जिसका नाम है सच की आवाज बने कांग्रेस से जुड़े एक आज हम नंबर लॉन्च कर रहे हैं। के दौरे पर निशाना साधा है। आपको बताते चले कि महारा ने कहा कि 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सौगात मनाने से इनकार करते हैं और यहाँ ये ना हो तो सौगात है ना ही खैरात है बल्कि यह उत्तराखंड का अधिकार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस राज्य में 40% सड़क पूरे तरीके से खराब हो चुकी है उस राज्य के लिए पीएम की सहायता राशि बहुत ही कम है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त उत्तराखंड की बजाय प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर और सिक्किम को सर्वाधिक जरूरत है। सौगात दिमागता नहीं खैरात है, यह हमारा अधिकार है और 4200 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसमें इतनी भीषण बाढ़ और उसकी आपदा आई है, पहाड़ टूट रहे हैं, ऑल वेदर रोड 40% रोड जो है खुर्द हो रखी है, उसमें मलवा आया है, चट्टानें गिरी हैं, रोडें टूटी हैं, फिर 4200 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। मैं प्रचार मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस समय देश में मणिपुर और सिक्किम को आपकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मणिपुर 5 महीने से चल रहा है, सिक्किम बाढ़ और आपदा से ग्रसित है, लेकिन आप वहां नहीं जा रहे, आपको वहां होना चाहिए था। आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं लेकिन हम नहीं चाहते केदारनाथ की जैसी घटना यहाँ दोबारा हो। आप केदारनाथ आए, आपने हमारे इष्ट देवता के गर्भगृह के नियमों को तोड़ा। जहाँ मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाए जाने को लेकर नगर निगम के द्वारा तैयार किए गए शपथ पत्र में मलिन बस्तियों के निवासियों को न्यायालय में प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रोक और बिजली पानी के कनेक्शन पर लगाई गई रोक को भी हटा दिया गया है और जिसके अवसर पर नए नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा ने मेयर सुनील उनियाल गामा का धन्यवाद करते हुए उन्हें ज्ञापन भी प्रेषित किया। वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम के द्वारा शपथ पत्र में लगाई गई शर्तों के खिलाफ नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा स्वयं अन्य पार्षदों ने मेयर को ज्ञापन सौंपा था जिसके बाद अब इन शर्तों को हटा दिया गया है। दैट पॉइंट वॉज वेरी ऑब्जेक्शनेबल कि आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते इतने बड़े लोकतंत्र में कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बहुत दुखद था और जब हमारे संज्ञान में ये आया तो हमने मेरे साहब से आग्रह किया और हमने लिख के दिया कि साहब ये बड़ा ऑब्जेक्शन है हमें, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष कहलाया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कुछ त्रुटि थी, माननीय हमारे अशोक वर्मा जी ने उसको संज्ञान में डाला है और जो त्रुटियां थी हमने उनको ठीक किया है। हमारा उद्देश्य है कि मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो टैक्स की परिधि में आते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए, तो उसी कड़ी में हम टैक्स ले रहे हैं और टैक्स
जमा करने में जो दिक्कतें आ रही थी उनको हमने दूर करने का प्रयास किया। उत्तराखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और वहीं आपको बताते चले कि जागेश्वर मंदिर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पहुंचा गया और जहां उनके द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। Oh, my God.
तो खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियाँ, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में हुई युवक के मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतक शिव को उसके ही दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया था और महज 4000 के रूपये के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले मृतक और उसके तीन दोस्तों ने साथ में खाना खाया और जिसके बाद दोस्तों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको बताते चले कि एसएसपी ने बताया कि तीनों आरोपियों में से दो आरोपी चोरी और ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। ये 30 तारीख को लाल पुल के नीचे शिव कुमार उस बबलू है जिनपे डेड बॉडी मिली थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी क्योंकि डेड बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी लग रही थी और इसके बाद शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए तब ये शिनाख्त बबलू के रूप में हुई थी। क्योंकि उनके परिजन यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते थे, उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया और सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद उनके द्वारा आकर जिन परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी उसका मोबाइल गायब था और फोन ऑफ था उसके आधार पर उनके द्वारा शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। आज उत्तराखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और जिस बीच पीएम के द्वारा पार्वती कुंड में भी दर्शन किए गए और जहां उनके द्वारा पूजा अर्चना भी की गई। बताते चले कि आज उत्तराखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और जहां आज तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी दर्शन किए गए, तो वहीं ये तस्वीरें हम आपको पार्वती कुंड की दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पूजा अर्चना की गई। और आपको बताते चले इस दौरान पूरा मंदिर परिसर मंत्रों से गुंजयमान हो गया और पूरा भक्तिमय माहौल जो है वो वहां पर इस समय दिखाई दिया। वहीं आपको बताते चले कि आज गांव वालों में भी खासा उत्साह था क्योंकि आज उनके क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आगमन किया गया और साथ ही साथ कई योजनाओं को की जो सौगात है वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई। तो ये तस्वीरें हम आपको पार्वती कुंड की दिखा रहे हैं जो कि पिथौरागढ़ से यहाँ सीधे सामने आ रही है। वही आपको बताते चले कि आज का यह जो नजारा था वो बेहद ही ऐतिहासिक था क्योंकि आपको बता दें कि यह बेहद ही एक माननीय मंदिर है जहां पर जो भक्तों की श्रद्धा है वो बेहद ही अटूट है और जो कि लोगों को कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का यहां पर आने से एक स्वयं मिलता है। वहीं आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर आकर पूजा अर्चना की गई और साथ ही साथ देश के मंगल कामना के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के 12 वहां की वेशभूषा को भी धारण किया गया है और जिसमें उनके द्वारा भारत एक ऐसी जन्मभूमि है जहां पर कण कण में भगवान बसते हैं और वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है जहां पर हर कण में भगवान का स्वरूप बसा हुआ है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ की जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज जो है वहां उनका आगमन हुआ और आपको बताते चले कि मंदिर परिसर को पूरे तरीके से सजाया गया। जो पूजा अर्चना की गई है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बेहतरीन जो आज का नजारा है वो बेहद ही ऐतिहासिक है क्योंकि पूरे मंदिर परिसर को फूलों की लड़ियों से सजाया गया है और जो आकर्षक बेहद ही आकर्षण केंद्र बना हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच पूरे तरीके से यात्रियों का जो भक्त है उनकी आवाजाही मंदिर में रोक दी गई है क्योंकि ये सुरक्षा के माध्यम से बेहद जरूरी भी है। वहीं आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कई दिनों पहले से ही जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई थी।
पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस पवित्र आदि कैलाश स्थान पर इसके बाद प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेंगे। और ये सीधी तस्वीरें हैं पार्वती कुंड से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपको बता दें कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर, जोलिंगकोंग मंदिर। भगवान शिव और पार्वती का ये खास मंदिर है और इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। बताया जाता है कि शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी यहाँ की खास मान्यता है। आप देख रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने पूजन अर्चन किया। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ अपने तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास